तुर्की में नए साल का जश्न अचानक मातम में बदल गया। इस्तांबुल में नए साल के जश्न के दौरान एक नाइट क्लब में फायरिंग से 35 लोगों की मौत हो गई और लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दो बंदूकधारियों ने नए साल का जश्न मना रही भीड़ पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकी सांता क्लॉस की ड्रेस में आए थे। हमला रात करीब 1 बजे हुआ। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ साहिन ने मीडिया को बताया कि इस हादसे में कुल 35 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुलिस जवान भी शामिल है। हमले के वक्त क्लब में उस वक्त 700 से 800 लोग मौजूद थे। उन्होंने इस हमले को चरमपंथी हमला बताया है। आपको बता दें कि तुर्की में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई आतंकी हमले हुए हैं। इससे पहले राजधानी अंकारा में एक आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी में भाषण दे रहे रूसी राजदूत एंड्रे कार्लोफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक आतंकी गतिविधियों का शिकार तुर्की नए साल में भी अस्त अछूता नहीं रहा और नए साल का स्वागत कर रहे लोगों पर आतंकियों ने अपना कहर बरपाया। देखते रहिए डीबी लाइव।